देखिए, बीजेपी का रैली अब तो पूरा खाली हो पूरी गई। कुर्सी खाली, बीजेपी का रैली पूरी कुर्सी खाली। रांची के हरमू मैदान में बीजेपी का सच्चाई देखिए, कितने लोग पसंद करते हैं। आज वो नज़ारा आप लोग के सामने है, देखिए इस पूरी वीडियो के देखिए। हम आरजेडी फैंस क्लब से रिपोर्टर राकेश राज, कैमरामैन चंकू राज के साथ आज फिर एक ऐसी खबर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि आप लोग उसको भी विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, बहुत से ऐसे जो गोदी मीडिया हैं और बहुत से बीजेपी के जो भक्त हैं, वो इस वीडियो को भी झूठा साबित कर देंगे। और मैं कोई फेक वीडियो या कहीं से करके नहीं, मैं खुद उस जगह पे निरीक्षण करके ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ रांची के हरमू मैदान में एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तरफ से। संकल्प सभा का आयोजन किया गया था, जी हाँ, समय दोपहर 2 बजे था, 28 अक्टूबर 2023 को। मैं वहाँ पे खुद, मैं उस सभा में खुद गया था। मैंने वहाँ पे, मैं ये देखने गया था कि आखिर इस सभा में क्या है। तो हमने सबसे पीछे वाली कुर्सी चुनी थी, उस कुर्सी पे मैं बैठकर जो नज़ारा देखा वो आप लोग को बताएंगे तो यकीन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बीजेपी की सच्चाई है। बीजेपी को देश से भगाने के लिए आज पूरे देशवासियों ने ठान लिया है। ये जुमलेबाज का सरकार है, उसको भगाने के लिए पूरे देशवासियों ने ठान लिया है। उसका मैं सही सही रिपोर्ट सारा दृश्य में दिखाऊंगा। उस सभा में बहुत लंबी कुर्सियां लगी हुई थी, बहुत बड़े बड़े पंडाल बने हुए थे रांची के हरमू मैदान में। मैं सबसे पीछे कुर्सी पर बैठा। जब ये सभा शुरू हुई तो मैंने देखा कि आगे से सिर्फ 4 कुर्सियां ही भरी है, बाकी पूरा कुर्सी पीछे तक खाली। मैं उस जगह पे अपने आँखों से इस दृश्य को देखा हूँ, तभी मैं आप लोग को यकीन के साथ विश्वास दिलाकर मैं कह रहा हूँ। आगे की 4 कुर्सियाँ छोड़कर पीछे की सारी कुर्सियाँ खाली है। उसका मैं पूरा वीडियो भी आप लोग को दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को भी जो गोदी मीडिया लोग हैं इस वीडियो को भी गलत साबित कर देंगे। जी हाँ, इस वीडियो को भी गलत साबित, जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, इस वीडियो को भी वो लोग गलत साबित कर देंगे। कहा जाएगा कि ये तो जब ख़त्म हो गया था, जब सभा ख़त्म हो गया था, तब का वीडियो है, तब तो कुर्सी खाली ही रहेगी, मैं ये जान रहा हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद था। आइए उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। यकीन नहीं हो रहा होगा, लग रहा होगा आप लोगों को कि ये बंदा बकवास कर रहा है, लेकिन मैं लाइव प्रूफ लेकर चलता हूँ। देखिए, ये लाइव वीडियो है, आगे से कुर्सियाँ भरी हुई है। और देखिए, मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ये देखिए संकल्प सभा 28 अक्टूबर 2023 रांची के हरमू मैदान में। ये देखिए कुर्सी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, तो देख लिया आप लोगों ने इस वीडियो में। और इस वीडियो के जो पहले जो शुरुआत, जब सभा शुरू नहीं हुई थी, उसका भी वीडियो है मेरे पास, वो भी मैं दिखाऊंगा। उस समय तो पूरी कुर्सी खाली थी, सही बात है, लेकिन सभा शुरू होने के बाद सिर्फ 4 से 6 कुर्सी ही, आगे से 4 से 6 लाइन की ही कुर्सियाँ भरी गई थी और बाकी पूरा खाली थी। इस वीडियो को देखिए, लाइव देखिए, सारी कुर्सी खाली है। देखिए सारी कुर्सियाँ खाली है, ये पहले की वीडियो है। आप लोगों ने देखा वीडियो। और एक बात, मैंने एक नागरिक से वहाँ मिला, उनसे पूछा कि आप इस सभा में आए हैं तो आपका मतलब क्या योगदान है। तो उसने जो मुझे जवाब दिया वो मुझे आज तक याद है। आज 28 तारीख से, आज इतना दिन हो गया, आज तक मुझे याद। उसने कहा, मैं बीजेपी को देखने नहीं आया हूँ, मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ, मैं लालू यादव का सपोर्टर हूँ, मैं तेजस्वी यादव को चाहता हूँ, बाकी मैं किसी किसी को नहीं जानता हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों, आप तो बीजेपी की रैली में आए हो। तो उसने बोला, ये हर्रा गमछी मैं लेके आया हूँ, इतना से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तब मैंने सोचा, यो ये बंदा कुछ अलग है। और उसने कहा कि मैं यहाँ देखने आया हूँ कि आखिर बीजेपी में जो जुमलेबाजी होती है वो कितना लंबा लंबा यहाँ पे फेंका जाता है,
वो मैं देखने आया था। ऐसे मैं बीजेपी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, ये आप देख लीजिए। मैं हर्रा गमछी ले करके बीजेपी के जो सभा है उसमें आया हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। मैंने कहा बस बहुत है, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है और अलग अलग लोग अपने अलग अलग अंदाज में बयान दे रहे हैं, तो बस इसी के साथ बने रहिए अगले खबर के लिए। मैं अगले खबर भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।